लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में एक ओर तो सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन को सुविधा मुहैया करा रही है, पर किसानों की हालत खराब हो रही है। दरअसल प्रदेश में पिछले वर्ष बैठी सरकार ने प्याज की खरीदी करके किसानों को योजनाओं का भरकस लाभ दिया था, लेकिन शिवराज सरकार आने के बाद किसानों की हालत खस्ता दिख रही है। जी हाँ, खरगोन जिले में किसानों की प्याज सड़ने की कगार पर आ पहुंची है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसी को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है और बताया कि पिछले वर्ष हमारी सरकार ने किसानों को योजना का लाभ दिया था, लेकिन भाजपा सरकार किसानों से सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं मीडिया से रूबरू सचिन यादव ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि किसानों का पंजीयन करके प्याज की खरीदी की जाए। कसरावास से अखिल खान की रिपोर्ट। मेरा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना लागू करके हमारे प्रदेश के प्याज उत्पादक किसान साथियों को राहत देने का काम करें। हमारी पिछली सरकार ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के लगभग 56,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया था। पिछली बार हमने 6 मई से लेकर के 31 मई तक हमारे प्याज उत्पादक किसानों का प्याज खरीदने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज समय तक हमारे जो किसान साथी हैं ना तो उनका पंजीयन हुआ है और ना ही खरीदी की किसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई है। मेरा पुनः माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस संकट के समय में हमारे प्याज उत्पादक किसान साथियों को राहत देने का काम करें और शीघ्र अतिशीघ्र ये योजना को लागू करने का काम करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।